हेलो एवरीवन, दिस इज फरमान। यू वाचिंग मी ऑन टेलीग्राम। यार मेरे लिए नाइट शूट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे खासकर से इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और ऊपर से बारिश में भीगने वाले हैं। वो भीगने के बाद एक अलग तरीके की परेशानी है कि गीले कपड़ों में पूरी रात बैठना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। नाइट में शूट करना फ़न है, बहुत पीस लगता है मुझे, शोर शराबा कम होता है, तो सब अच्छा है। दिन हो रात हो जो भी हो, कहानी बहुत अच्छी है। जब भी सावी को मैंने घर से भेज दिया या वो अपने घर चली गई या मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, तो मुझे हमेशा एहसास होता था कि उनकी गैर मौजूदगी का, कि वो नहीं है तब भी उनकी याद आती थी, उनका हर जगह दिखना, छोटी छोटी बातों पे मुझे उनको मिस करना कि कहाँ हैं, कैसी हैं। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरी ज़िंदगी में आए, नित्यम की ज़िंदगी में आए, कि जहाँ उनको ये याद आती थी कि सावी मेरी ज़िंदगी का एक वो अहम हिस्सा बन चुकी हैं, जो इश्क है जिनसे मुझे, जिनकी मुझे आदत है। और ये पता चलते चलते बहुत एक लंबा अरसा बीत गया, और नित्यम को ये रियलाइज़ हुआ सोनम के सामने कि मैं सावी से कितना प्यार करता हूँ। तो वो अब अपना वो जो प्यार है वो सावी के सामने बयां करना चाहते हैं, इसलिए किसी ना किसी बहाने से वो सावी के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि सावी उनके पास रहें, और अब उन्होंने एक रेडियो शो पे सुन भी लिया है कि सावी को बारिश पसंद है, सावी को ऐसे गाने पसंद हैं, सावी को चाय, एक हाईवे पे चाय की टपरी है वहाँ पे चाय पीना पसंद है, बारिश के जाने के बाद जो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है वो पसंद है। तो वहाँ वो उनको ले जाकर शायद अपने दिल की बात कहना चाहते हैं।
एक कपल वहाँ से जा रहा होता है, हम उनको देख के एक दूसरे से अपनी स्टोरी कनेक्ट कर रहे होते हैं कि काश कि शायद आने वाले कल में हम इन दोनों की तरह हाथ में हाथ डाल के जा रहे होंगे, या किसी शेल्टर के नीचे खड़े होके एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, या कहीं ना कहीं एक दूसरे की इतनी परवाह होगी हमें। तो वो उनको देख के एक फ्लैश फॉरवर्ड है जो वो अपने मन में सोच रही हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में हम बोल सकते हैं। पहली बारिश में भी दिखा था और दूसरी बारिश में डिवोर्स था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सावी के दिल में प्यार था और नित्यम चाहती थी कि वो अलग रहें, उनसे डिवोर्स हो जाए। और ये जो तीसरी बारिश है ये वो उन दोनों को साथ में लेके आई है। ये तीसरी बारिश है जो एक दोनों के दिल में जज्बात हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तो ये इश्क की बारिश है, ये जज्बातों की बारिश है, मोहब्बत की बारिश है। देखिए, इश्क तो इश्क है, अब दो बार नहीं था, इस बार दोनों के दिल में है। अब कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे वो बात अलग है, मुद्दा अलग है, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों के दिल में प्यार आ गया है तो कभी ना कभी तो बयां हो ही जाएगा शब्दों में।
सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोग सबसे पहले अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ पानी वानी पीते रहें, नारियल पानी, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी शो को जितना प्यार दिया है, मुझे आपने जितना प्यार दिया है, हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा, शो को ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए सावी की सवारी।